हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ग्रिल विद गिल्स। आज हम बनाएंगे मैक्रोनी स्नैक्स, तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो जो इंग्रेडिएंट्स चाहिए हमें इसे बनाने के लिए, उसमें है 2 कप मैक्रोनी। मैंने एल्बो स्टाइल मैक्रोनी ली है। आप चाहे तो डर्म विट मैक्रोनी यूज़ कर सकते हैं, वो चाहे मैदा चाहे वीट वाली, मैं डर्म विट यूज़ कर रही हूँ। 1 लीटर पानी और नमक एज पर टेस्ट। तो चलो पहले मैक्रोनी को बॉयल कर लेते हैं। तो अब मैंने एक पॉट ले लिया है, गैस कर दिया हाई पे ऑन। इसमें डालेंगे पानी, और साथ में डालेंगे नमक, और इसे एक बॉयल आने देंगे। और जो मैक्रोनी है, आप जब भी उसको लेके आए घर पे, उसके पैकेट पे लिखी हुई इंस्ट्रक्शन ज़रूर पढ़ें, क्योंकि कई मैक्रोनी के ऊपर लिखा होता है कि 6 मिनट लगेंगे बॉयल करने को, किसी को 8 मिनट, और जो मेरे वाली मैक्रोनी है इसको 8 मिनट लगेंगे। लेकिन मुझे 90% तक ही इसे बॉयल करना है, तो मैं 6 मिनट तक इसे बॉयल करूँगी। तो जब तक हमारा पानी बॉयल हो रहा है मैक्रोनी के लिए, बाकी के इंग्रेडिएंट्स आपको बता देती हूँ। हमें चाहिए 2 चम्मच मैदा। जब हमारी मैक्रोनी बॉयल हो जाएगी, इसके साथ हम उसे कोट करेंगे। नमक एज पर टेस्ट, रोस्टेड ज़ीरा 1 चम्मच, 1 चम्मच हमें चाहिए रेड चिल्ली पाउडर, 1 चम्मच हमें चाहिए चाट मसाला, 1 चम्मच हमें चाहिए ब्लैक सॉल्ट, 1 चम्मच स्वीट पेपरिका, 1 चम्मच हमें चाहिए कोरिएंडर पाउडर, और 1 चम्मच हमें चाहिए किचन किंग मसाला। तो अब मैंने एक बड़ी कटोरी ले ली है, इसमें डालेंगे नमक, जो बाकी के मसाले हैं वो भी, और मैक्रोनी का मसाला रेडी कर लेंगे। जब हमारी मैक्रोनी बॉयल हो जाएगी और उसके बाद हम उसे फ्राई कर लेंगे, तब एक स्प्रिंकल करेंगे इसके ऊपर। तो ये रेडी हो गया है, इसको साइड पर रख देते हैं। तो पानी में बॉयल आ गया है, इसमें डाल देते हैं मैक्रोनी को, और इसे 90% तक बॉयल करेंगे। मतलब मैं 6 मिनट तक इसे बॉयल करूँगी। मैक्रोनी को बॉयल होते हुए 6 मिनट हो गए हैं, तो चेक कर लेते हैं कि ये 90% बॉयल हो गई है। बिल्कुल, ये बिल्कुल बॉयल हो गई है 90%। तो अब इसे स्ट्रेन कर लेते हैं, जो पानी है वो निकाल देते हैं इसका, गैस को कर देते हैं बंद। तो अब इसकी जो प्रोसेसिंग है वो हमने रोकनी है, तो फटाफट से इसके ऊपर ठंडा पानी डाल देते हैं, जो इसमें हीट है वो निकल जाए। और इसमें जो पानी है वो सारा एक्स्ट्रा हमने निकाल देना है। तो इसका एक्स्ट्रा पानी निकल जाए, तो इसलिए मैं इसको बाउल में रख रही हूँ, कि जो इसका पानी है वो सारा बाउल में चला जाएगा। तो मैक्रोनी का सारा पानी निकल गया है, इसको एक खुले बर्तन में डाल देते हैं, और इसे 2 मिनट तक ऐसे ही ड्राई होने देंगे। बिल्कुल ड्राई नहीं करना, हमें थोड़ा सा इसे रखना है नरम, लेकिन 2 मिनट तक इसे ऐसे ही रखेंगे। तो बॉइल्ड मैक्रोनी को रखे हुए 2 मिनट हो गए हैं, और इसमें हल्की सी नमी है पानी की, इतनी हमें चाहिए। अब इसके ऊपर हम डालेंगे मैदा, स्प्रिंकल करेंगे ऐसे, एकदम से सारा नहीं डालना, मतलब हमें कोटिंग चाहिए इसकी, बिल्कुल मैदा मैदा नहीं चाहिए हमें। थोड़ा सा और डालेंगे। ये मैदा क्या करेगा, इसमें क्रिस्पीनेस लेके आएगा। तो हमने इसे अच्छे से कोट कर लिया है, इससे ज़्यादा इसे कोट नहीं करना, मेरा इतना मैदा बच गया है। मैक्रोनी को डीप फ्राई करने के लिए मैंने एक पैन में ऑयल ले लिया है, और गैस कर दिया हाई पे ऑन। हम इसे मीडियम हॉट करेंगे, और उसके बाद हम अपनी जो मैक्रोनी है उसको फ्राई करेंगे। ऑयल हमारा गर्म हो गया है, इसमें डाल देते हैं कोट की हुई मैक्रोनी को। यह मीडियम हॉट है, आपने बिल्कुल ज़्यादा गर्म नहीं करना तेल को, क्योंकि अगर आप ज़्यादा गर्म कर लोगे तो क्रिस्पीनेस नहीं आएगी। और हमें उतना ही डालना है जितना आपके पैन का कट हुई।
और साथ साथ में इसे हिलाना शुरू करेंगे। ये देखिए अलग होनी स्टार्ट हो गई हैं क्योंकि इसके ऊपर मैदा को साफ कर दिया, थोड़ी चिपची चिपची थी। और हम इसे हल्का गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई करेंगे। जब इसका कलर हल्का सा सुनहरी हो जाएगा तब इसे निकालेंगे। तो इनका कलर हल्का सा सुनहरी हो गया है, अब इसे निकाल लेते हैं एक बाउल में। और इसी तरह से हम अपना सेकंड बैच भी फ्राई कर लेंगे। तो हमारा सेकंड बैच भी फ्राई हो गया है, इसे भी निकाल लेते हैं। और इसी तरह से हम अपना थर्ड बैच भी फ्राई कर लेंगे। तो हमारा थर्ड बैच भी होने ही वाला है फ्राई, हल्का सा सुनहरी कलर आ जाएगा तो इसे भी निकाल लेंगे। तो थर्ड बैच हो गया, इसे भी निकाल लेते हैं और फिर इसे करेंगे सर्व। अभी ये कितने क्रिस्पी बने हैं आपको वो साउंड सुनाती हूँ मैं। ये देखिए बहुत ही ज़्यादा क्रिस्पी बने हैं। अब इसके ऊपर हम सीजनिंग डालेंगे जो हमने बनाई थी, लेकिन मैं इसको दो हिस्सों में डिवाइड करूँगी। एक तो वो सीजनिंग डालूँगी जो आपको अभी सिखाई है मैंने, और एक सीजनिंग डालूँगी पेरी पेरी। तो उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। तो चलो इसे दो हिस्सों में डिवाइड कर लेते हैं पहले। अभी इसे दो हिस्सों में डिवाइड करने के लिए मैंने बाउल ले लिया है एक, इसके ऊपर डालेंगे सीजनिंग वो जो मैंने अभी सिखाई थी आपको। आप चाहे तो पूरी के ऊपर यही डाल सकते हैं, लेकिन मैं दो फ्लेवर बनाऊंगी इसके। और इसको अच्छे से कोट कर लेंगे सबके ऊपर। ये देखिए कितनी क्रिस्पी बनी है, नहीं तो अभी दिल कर रहा है कि मैं खा लूँ इसे। ये देखिए कितनी अच्छी लग रही है। अब इसी तरह से दूसरी के ऊपर डालेंगे पेरी पेरी मसाला। इसको भी अच्छे से मिक्स करेंगे क्योंकि इसके ऊपर हल्का सा ऑयल है तो आराम से ये इसके ऊपर कोट हो जाएगा। बस इसे हल्का सा ठंडा होने देंगे और फिर करेंगे चाय के साथ सर्व। ये देखिए, तो ये देखिए फ्रेंड्स हमारे मैक्रोनी स्नैक्स बनके रेडी हैं। और आपने देखा इसे बनाना कितना आसान है, और ये बहुत ही ज़्यादा क्रिस्पी भी बनी है। और इसको कोट किया है मैंने दो मसालों के साथ और इनको चटपटा बनाया है। बस आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें, कोई भी सीजनिंग इसके ऊपर डालें और इसे घर पर बनाएं, अपने बच्चों के साथ फैमिली के साथ इसे मिलके खाएं और मजे करें। तो फ्रेंड्स देखा आपने कितनी यम्मी लग रही थी हमारी मैक्रोनी स्नैक्स। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे जरूर लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। बाय, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।